वेरी गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा। सिक्स डे हम मैसूर में हैं, कल रात को आए थे, आज हम पूरा मैसूर एक्सप्लोर करेंगे। हम जा रहे हैं चामुंडी हिल्स, लेकिन होटल में हमने नाश्ता नहीं किया, हम आए बाहर और जहाँ भी हमें एक्चुअली मुझे राधे कृष्ण का नाम मिल जाए मैं तो भैया वही चले जाता हूँ। कोयम्बूर से जब हम ऊटी जा रहे थे तभी हम गौरी कृष्णा में हमने हमारा लंच किया था, इट वॉज रियली नाइस। उठते जो साउथ इंडियन थाली थी और अभी ये राधे कृष्णा, विल हैव नथिंग लाइक एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इडली डोसा वड़ा ब्रेकफास्ट एंड आई लव इट, आई लव साउथ इंडियन फूड। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत चीज़ है। हम आए मैसूर में, मैं मेन्यू कार्ड में एक्सपेक्ट कर रहा था मैसूर मसाला डोसा, कहाँ है बताओ मुझे? मुझे तो नहीं, नहीं है ये, किसे कंप्लेन करो अभी तो मैं हम आए चामुंडी हिल्स में, चामुंडा माता बोलते, चामुंडा माता का मंदिर है। तो मैसूर में, मैसूर का जो राजा था महिषासुर, और चामुंडा माता ने उनका वध कर दिया था, इसलिए उनको बोलते महिषासुर मर्दिनी। ये रहे महिषासुर। हम जा रहे मंदिर की तरफ, एंट्री से थोड़ा वॉकिंग है। अगर अंदर कैमरा अलाउड होगा तो मैं जरूर वीडियो लूंगा, अगर नहीं होगा तो गूगल कर दो फोटोज। तो यह है एंट्रेंस चामुंडी माता मंदिर का। तो मैंने ये मूर्ति खरीदी जो ग्रेन से बनी है, गणपति बाबा की मूर्ति, 60 रुपीज की, ब्यूटीफुल। तो दर्शन हमने कर लिए माता के मंदिर, जो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है। चामुंडी हिल से नीचे उतर के आता है ये सैंड म्यूजियम, इको फ्रेंडली गणेश। श्री चामुंडेश्वरी, ये टेंपल जो है हम ऊपर गए थे, उनका सैंड आर्ट बनाया है। लाफिंग बुद्धा, मैसूर दशहरा अंबरी, और मित्रों महाभारत कृष्ण अर्जुन चैरियट, हरे कृष्णा। अरे नीचे हम घूम रहे हैं लेफ्ट राइट, क्या आवाज। तो वो सैंड म्यूजियम था, बहुत ही छोटा सा था, आर्ट अच्छा था, लेकिन मस्ट विजिट नहीं बोल सकते। आप बहुत टाइम में आप कुछ करना चाहते हो तब जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब हम आए हैं जू, श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। 100 रुपीज फॉर अडल्ट, 50 रुपीज फॉर चाइल्ड। सारे जो एनिमल्स हैं यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, सो ह्यूज। ये आप लोग की प्रजाति है, ओके। देखो ये इन लोग की प्रजाति, ये मॉटल्ड वुड आउल। सेजल, व्हाट डू यू कॉल अ गुड क्रेन, क्रेन क्रेन जो बर्ड होता है, व्हाट डू यू कॉल अ गुड क्रेन इन गुजराती? आई विल शो यू, सरस क्रेन। सरस क्रेन, ये रह देखो, सरस छे एकदम सरस सरस। इतना खुश मैंने इसको कभी नहीं देखा था। कोमल जो है अपने घर वालों को देख के इतनी खुश हो गई। वाओ गाइस, आई मिस्ड यू सो मच गाइस। फर्स्ट डांस कैसा है, देख बॉडी लैंग्वेज अपने जैसा ही है। तेरा ऐसा है, देख बता जरा, बता जरा इधर। Thank you.
बबली बड़ा लगते दीदी पैलेस जहाँ की एंट्री है 100 रुपीज फॉर अडल्ट और 50 रुपीज फॉर चिल्ड्रेन और वो हो रहा सामने तो मैं खड़ा हूँ टीपू सुल्तान पैलेस के बिल्कुल बाहर। हम पहुंचे थे 4:55 को और वो बंद हो जाता है 5 बजे, लेकिन ड्यू टू कोरोना यू कैन ओनली पे ऑनलाइन। जो टिकट विंडो जो होता है कैश देके वैसा नहीं था, आपको स्कैन करके ऑनलाइन पे करना था। तो पूरा लंबा सा फॉर्म भरो, तब तक तो पूरा 5 मिनट हो गया था और एंड द डोर्स वर क्लोज और ऑल्सो हमारा लंच बाकी था। तो ठीक सामने ये सुख सागर होटल है, हमने 6 बजे, अभी 6 बज रहे हैं शाम के, अब हमारा लंच हुआ है। एक और मंदिर हम विजिट करेंगे मैसूर में, उसके बाद हम निकलेंगे कुर्ग के लिए। हमारा हॉल्ट आज रात का कुर्ग में है। तो अभी जो लास्ट में हमने टेंपल विजिट किया वो था रंगनाथ स्वामी टेंपल और बहुत ही सुंदर टेंपल था, लेकिन अंदर वीडियो अलाउड नहीं था इसलिए मैं नहीं शूट कर पाया। और जो मंदिर के बाहर था विष्णु सहस्र नाम कंटिन्यूसली बज रहा था, इट वॉज वेरी पीसफुल। अभी हम जा रहे हैं वृंदावन गार्डन्स। तो हम जो आए वृंदावन गार्डन में, वृंदावन गार्डन तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये फुल मार्केट भीड़ वाली दिख रही है यहाँ पे, शायद आगे होगा। ओ फ्लैग का लाइट्स है। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि ये सही टाइम है कि नहीं गार्डन विजिट करने का, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, ये बिल्कुल ही बेस्ट टाइम नहीं है गार्डन विजिट करने का। 7 बज रहे हैं, पूरा अंधेरा है और लॉन की थोड़ी बहुत घास दिख रही है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैसूर में पूरे दिन काफी गर्मी थी, इधर किधर जा रहे हैं हम। ओके, क्योंकि मुझे गिरना नहीं है पानी में। ये बहुत बहुत सही लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ठंडक भी है। ये शायद डैम है या पैलेस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो फाउंटेन है जो मस्कीटोज बहुत है। वृंदावन गार्डन अगर रात को आओ तो ओडोमस लगा के आओ ना, ये मच्छर जो है आप खा जाएंगे। ये देखो ये फाउंटेन है, आगे भी है कलरफुल फाउंटेन। यहाँ पे असली तपस्या हो सकती है, क्योंकि और 5 मिनट बैठा तो पूरा मस्कीटो से मैं ढक जाऊंगा। तो यहाँ से निकलते
इधर आराम से जो बैठे हुए जो रिलैक्सिंग लग रहा है, बस पानी की ये जो फ्लो हो रहा है, डाउन फ्लो हो रहा है, उसकी आवाज़ सुनो। ये वृंदावन गार्डन इतना ब्यूटीफुल और पीसफुल है। 5 बजे शाम को आए होते तो ये नज़ारा दिखने में कुछ अलग ही मज़ा होता। फिलहाल ये एंजॉय करते हैं। So it's 11:40 और फाइनली हम पहुंच गए कुर्ग। तो कुर्ग मैंने सोचा था कि काफ़ी टेम्परेचर डाउन होगा क्योंकि हिल स्टेशन है, लेकिन इतना डाउन नहीं है, 18 डिग्रीज है। ऊटी में इस समय काफ़ी नीचे था टेम्परेचर, इट वॉज लाइक 12 डिग्रीज। रात को वो जाता है अराउंड 8-9-7 डिग्रीज, यहाँ पे शायद इतना नहीं जाएगा। लेकिन एनीवे हम तो रूम में रहने वाले हैं। कल हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा, कल ही बताता हूँ। ऑल राइट।